फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि टीपी लिंक का CPE-610 एंटीना को कैसे असेंबल करते हैं, और अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि इस एंटीना को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे इसे एक्सेस पॉइंट और कैसे क्लाइंट की तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपना इंटरनेट या अपने वाइड एरिया नेटवर्क में हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और ये कैसे काम करता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एंटीना को हम अपने लैन केबल से कनेक्ट करते हैं, फिर सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में हम लोग नेटवर्क में जाएंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारा आईपी नहीं दिखा रहा है। सबसे पहले मैन्युअली हम अपना आईपी चेंज करेंगे। इस एंटीना की आईपी है 192.168.0.254। तो हम लोग सबसे पहले 192.168.0. कोई भी एक आईपी आप डाल लीजिए, हम इसके अंदर 250 डाल रहे हैं, और ये हम एंटीना की सेटिंग हमने डाल दिया। देखते हैं हमारा लैंड कार्ड डिटेक्ट हो रहा है या नहीं। यहाँ पे गेट पे डाल देते हैं। ये देखिए हमने ये डाल दिया है, और ये देखिए हमारा ग्रीन हो गया है, इसका मतलब ये आ चुका है भाई। हमारी आईपी बन चुकी है। अब हम सबसे पहले ये ब्राउज़र में जाते हैं, यहाँ पे हम उसका आईपी डालेंगे 0.254, ये इसकी डिफ़ॉल्ट आईपी है। एडवांस में जाइए, प्रोसीड टू अनसेफ, ओके कर लीजिए। ये सबसे पहले हमारी विंडो टीपी लिंक की ऐसे खुलेगी। इसका यूज़र नेम है आपका एडमिन, और पासवर्ड भी इसका एडमिन है। सबसे पहले अपना रीजन सेलेक्ट करिए, इंडिया, ये हारा ये ई इंडिया, चलिए हमने इंडिया ले लिया। लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, आई एग्री, एंड देन लॉग इन। सबसे पहले आपकी ये विंडो खुलेगी। सबसे पहले ये आपको बोलेगा कि आप इसका पासवर्ड चेंज कीजिए। तो आप लोग इसका कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं जो आप इजीली से इजी याद कर सकें, वही वाला पासवर्ड डालिए आप, और ये हमने चेंज कर दिया। ये हमारी विंडो खुल चुकी है। क्विक सेटअप, स्टेटस, नेटवर्क, वायरलेस, ये सारा दिखा रहा है। मैनेजमेंट एंड सिस्टम, नेटवर्क में आप इसकी आईपी देखेंगे तो 0.254 है। सबसे पहले हम इसकी आईपी चेंज करेंगे। इस बार हम इसकी आईपी 192.168.1.85 ले रहे हैं। आप कोई भी आईपी ले सकते हैं, कोई भी इसकी ग्रुप की, ज़रूरी नहीं आप कोई भी 85 भी ले। ओके कीजिए इसको, और ये इसकी आईपी चेंज हो चुकी है। अब फिर हमें एक बार फिर वापस उसमें जाना पड़ेगा अपना नेटवर्क में, और हमें यहाँ पे वन करना पड़ेगा। वन डॉट कोई आईपी ले लीजिए, 250 या 50, जो भी आपका मन करे उस ग्रुप की, अप्लाई कर लीजिए। हम 50 कर लेते हैं, 250 में भी काम चल जाता। अप्लाई, तो ये ग्रीन हो गया, आप देख सकते हैं। अब हम फिर से जाएंगे यहाँ पे, अभी क्लिक करेंगे तो ये हमारा नए आईपी के साथ हमारी डिवाइस खुल रही है, देख लीजिए 1.85 के साथ। यहाँ पे हम एडमिन डालेंगे, और जो हमने नया वाला पासवर्ड बनाया था हम उसको वहाँ पे डालेंगे, और ये लॉगिन कर देंगे। ये हमारी डिवाइस खुल चुकी है। फर्स्ट टाइम ऐसे बोलेगा, इसे ओके कर दीजिए, कंटिन्यू, यस, और ये हमारा खुल चुका है। नेटवर्क में आप देखिए हमारी आईपी ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब हम क्विक सेटअप में जाएंगे, इसको हम एक्सेस पॉइंट बना रहे हैं। यहाँ नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट किया हमने, यहाँ पे 85, ये सही है, ओके। फिर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना SSID कुछ भी बना सकते हैं, जो भी आपका मन करे। हमने यहाँ पर क्रिएटिव इवेंट 2 बना दी है, और ये बन चुकी है, और हमने इसको फिनिश कर दिया। अब हमें फिनिश करने के बाद इसको एक बारी सेव भी करना पड़ेगा। फिनिश किया, और ये यहाँ पे हमारा ये सेव हो चुका है, और ये हमारा एक्सेस पॉइंट बन चुका है। आप देख सकते हैं ये अलग अलग विंडोज है, इसकी अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब हम बाद में इसमें देखेंगे। सिस्टम में आप जा सकते हैं, आपको दिखाएगा डिवाइस नेम, टाइम जोन, यूज़र अकाउंट, फर्मवेयर अपडेट, सब कुछ। टाइम जोन हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम इंडिया कर लेते हैं, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, ये आ गया। और डेट भी हम इसकी चेंज कर सकते हैं, डेट भी चेंज हो गई, देखिए। और इसको अपडेट, अप्लाई, अप्लाई करने के बाद हमें एक बार सेव करना होता है, तो ये सेव हो चुका है हमारा, आप देख रहे हैं। अब हम लोग अपना जो हमारा क्लाइंट है उसको कॉन्फ़िगर करते हैं।
ये भी फिर वापस हम वही आईपी डालेंगे जीरो वाले उसकी, 0.50 अप्लाई किया हमने। और अब हम फिर जाएंगे ब्राउजर में, क्रोम में, और यहाँ पे हम डालेंगे 192.168.0.254। ये डिवाइस देखिए खुल गई है, इसे ओके कीजिए। ये डिवाइस हमारी खुल चुकी है। सेम उसी तरह यहाँ भी हमारे को एडमिन पासवर्ड डालना है, रीजन सेलेक्ट करना अपना, ये रीजन सेलेक्ट करना हमें इंडिया, इंडिया हो गया लॉगिन। हाँ गलती से हमने नया वाला पासवर्ड डाल दिया था, जो भी हमने सेव किया एडमिन है इसका पासवर्ड, ये डालिए ओके। और ये आपकी डिवाइस खुल गई है। अब हमें फिर से इसका पासवर्ड, क्योंकि नई डिवाइस है तो फर्स्ट टाइम हमें इसका पासवर्ड हमें फिर से चेंज करना पड़ेगा। और ये हमने इसका नया पासवर्ड डाल दिया है एंड फिनिश, ये फिनिश। ये अब हमारा नए पासवर्ड से बन चुके हैं। अब इसका नेटवर्क देखेंगे तो देखिए इसकी आईपी 0.254 है, क्योंकि हमने एक्सेस पॉइंट का 1.85 रखा, इसका हम 1.87 कर लेते हैं। कोई भी आप आईपी रख सकते हैं 85 को छोड़ कर, ठीक है। इसको अप्लाई कर देते हैं और ये ओके हो गया, हमारी आईपी चेंज हो गई। अगेन फिर हम वहीं जाएंगे नेटवर्क में, इसको बंद कर देंगे, अप्लाई करेंगे और फिर ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे इस आईपी को खोल लेते हैं। ये देखिए हमने डाल दिया और ये एडवांस और ये अनसेफ आईपी खोल लेते हैं, ये हमारा खुल चुका। अब यहाँ पे हमें फिर से एडमिन और जो नया वाला हमने पासवर्ड सेव किया था वो डालेंगे, ये डल गया एंड लॉग इन। जैसे कि पहली बार आपको दिखा था इसमें ऐसे दिखा, इसमें भी सेम है, ये आप देख सकते हैं। ये हमें अब बनाना है क्लाइंट, वो एक्सेस पॉइंट था, ये क्लाइंट, क्लाइंट किया हमने क्विक सेटअप में ही, बड़ा आसान है। नेक्स्ट ये देखिए हमारी 187 आईपी, वो 87 आ गई आईपी। नेक्स्ट ये हमने यहाँ पे, अब हम यहाँ पे सर्वे करेंगे क्रिएटिव इवेंट्स 2 जो हमने बनाना था वो हमें यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 आ गए हैं, लेकिन हमारा जो एक्सेस पॉइंट है वो है क्रिएटिव इवेंट 2, उसको हमने लॉक कर देते हैं, लॉक टू आईपी, और ये लॉक हो चुका है आप देख सकते हैं। बाकी सब ऐसे ही रहने दीजिए, नेक्स्ट करें और ये फिनिश कर दीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं फिनिश, ये हमारा सेव हो गया। तो पहली डिवाइस हमारी एक्सेस पॉइंट थी, ये हमारा क्लाइंट बन गया है, आप देख सकते हैं सिग्नल भी आने लग गए हैं यहाँ पे, और ये ऊपर क्लाइंट दिख रहा है आपको सिस्टम मैनेजमेंट में। यहाँ पे भी हम लोग टाइम चेंज कर लेते हैं, बीजिंग यूनाइटेड किंगडम दिखा रहा है हमें, चेंज करना है अपना इंडिया का। डेट डाल लेते हैं आज की, अक्टूबर, ठीक है 2020 अक्टूबर, ये हमने डाल लिया 2 तारीख, ठीक है। तो ये अप्लाई कर देते हैं, ये हमारा अप्लाई हो जाएगा और सेव, ये हमारा डेट सेव हो चुकी है। अब हमारा एक क्लाइंट और एक एक्सेस पॉइंट दोनों तैयार हो चुके हैं, लॉग आउट करते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग एक बार दोबारा लॉग इन करके, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं हमारा एक्सेस पॉइंट आ रहा है कि नहीं, 85 करते हैं, ये देखिए एक्सेस पॉइंट भी आ रहा है, इसका मतलब हमें कनेक्टिविटी मिली हुई है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने यूजर नेम उसका एडमिन और पासवर्ड जो आपने हमने रखा था डाल दिया है, और ये डिवाइस हमारी खुल चुकी है। दूसरी विंडो में हम क्लाइंट का आईपी डालते हैं 87, ये देखिए खुल रही है कि नहीं, ये भी खुल गई। यहाँ भी एडमिन और जो हमारा पासवर्ड था हम डाल लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में दोनों लिंक हो चुकी है। तो ये बड़े आसान तरीके से आपने क्लाइंट और एक्सेस पॉइंट को लिंक कर दिया, और अपने वाइड एरिया नेटवर्क में आप कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे अपने नेटवर्क दिखाने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक अवर चैनल, थैंक यू।